नमस्कार, आज हम बनाएंगे ब्रेड के समोसे। मैदा से बने समोसे आप सब तो बहुत बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से ब्रेड के समोसे बनाकर खाएं। इसे बनाने के लिए आपको मैदा गूंथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह समोसे कम समय में झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समोसे बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर 6 पीस ब्रेड लिए हैं। तो सबसे पहले हम समोसे के लिए आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में हम पहले 1 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा और सौंफ को बराबर चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। सौंफ डालने से जो इसका फ्लेवर है वो आलू में बहुत अच्छा बनता है और समोसे खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। जीरा और सौंफ अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक को हम सौंफ जीरा मिलाते हुए भून लेते हैं, जिससे अदरक में कच्चापन न रहे। अदरक भी भुन गया है। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद 4 मैश किया हुआ उबला आलू डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसाले को आलू में मिलाते हुए हम अच्छे से भुनेंगे। गैस को हमने धीमा किया है, जिससे आलू जले ना। हम इसी तरह आलू के ढोके फोड़ते हुए 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे, जिससे मसाले आलू में पूरी तरह से मिल जाएं। इसी में हम थोड़ा से बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालकर मिलाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह हरी धनिया भी डाल सकते हैं। आलू भूनकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने 2 छोटी चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर घोल बनाएंगे। इसमें पानी डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे, जिससे मैदे के लम्स न रहें। बहुत पतला घोल हमें नहीं बनाना है, हम थोड़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे। मैदे का घोल हमने बना लिया है। अब समोसे के लिए हम ब्रेड को काटेंगे, यानी कि जो ब्रेड के किनारे वाला हिस्सा है उसे हम काट कर निकाल देते हैं। चारों किनारों से हम काट कर निकाल देते हैं। इसी तरह हम पहले सभी ब्रेड को काट लेते हैं। सभी ब्रेड को हमने काट लिया है। अब इसका हम समोसा बनाएंगे। समोसा बनाने के लिए पहले हम ब्रेड को बेलन से बेलेंगे। इसे हमें बेलकर एकदम पतला करना है। ब्रेड को बेलकर हमने एकदम पतला कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम मैदे को लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर हम चारों तरफ से मैदे को लगा देते हैं। अब ब्रेड को उठाकर हम इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको चिपकाएंगे। अब इसके अंदर हम आलू को भरेंगे। जितना इसके अंदर जगह है उतना आलू हम डालेंगे। अब इसके ऊपर से हम मैदा और लगाकर चिपकाएंगे। पहले हम बीच वाला भाग चिपकाएंगे, इसके बाद दोनों किनारों से चिपकाएंगे। ब्रेड को हम इस तरह से मोड़कर समोसे को बना लेते हैं। ये पहला समोसा हमारा बन गया है। इसी तरह से हम सभी ब्रेड का समोसा बनाएंगे। एक समोसा हम और बनाकर आपको दिखाते हैं। ध्यान रहे, अगर इस तरह से ब्रेड के समोसा आप बना रहे हैं तो ब्रेड एकदम ताज़ा लें, क्योंकि जब ब्रेड ताजे और मुलायम रहेंगे तभी आप इसका समोसा आसानी से बना पाएंगे। अब इसमें भी हम थोड़ा से आलू डालकर मोड़कर समोसा बना लेते हैं। ये दूसरा वाला समोसा हमारा बन गया है। सभी ब्रेड के समोसे हमने बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे।
समोसे तलने के लिए तेल गर्म है। अब कढ़ाई में हम 3 से 4 समोसे को डाल देते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है। यह समोसे को हम मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेड हैं इसलिए अगर हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर तक पक नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसे हल्के मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं। अब समोसे सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें हम तेल से बाहर निकालेंगे। इसी तरह हम बचे हुए समोसे को तल लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी समोसे को फ्राई कर लिया है। अब ब्रेड के समोसे हमारे बनकर खाने के लिए तैयार हैं। एक समोसे हम तोड़ करके आपको दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर आलू से भरे हैं। अगर आपके पास समय कम है और आपको समोसे खाने का मन हो तो इस तरह से आप घर पर ब्रेड के समोसे झटपट से बना सकते हैं। इस तरह के समोसे आप घर पर बनाकर हरी चटनी, टोमेटो केचप या फिर वैसे भी खा सकते हैं। यह समोसा बिना चटनी के भी खाने में स्वादिष्ट लगता है।